कि अभी शहबाज शरीफ साहब हमारे गए हुए हैं दौरे पर तुर्की, और तुर्की जाकर बड़े फनी फनी उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं दुनिया के अंदर। और आपको पता है कि एक पाकिस्तान मुल्क है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि दुनिया में देखा भी जाता है और सर्च भी करते हैं लोग, और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बड़ी बातचीत होती है। तो यहाँ पर हमारे शहबाज शरीफ साहब गए और दुनिया के मीडिया ने इसको बड़ा उठाया, कहने लगे कि भाई शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जाकर कॉमेडियन बने हुए हैं और वो हिल नहीं रहे कहीं से, और दुकान साहब खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब जपियाँ पा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? सेंस होती है एक बंदे को, सेंस को मुजाहरा नहीं कर रहे, मतलब एक डेकोरम होता है, डेकोरम सारा डेकोर के साथ में चलना होता, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर है आप मुल्क के, एक एटमी ताकत है आपका, न्यूक्लियर पावर है उस मुल्क के, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, सो आपको सूट करता है कि आप जाके जपियाँ पपियाँ करें जाके? तो इस तरह पाकिस्तान की तस्लील तो ना करें, देखें अगर आप एथिक्स नहीं है, मतलब थोड़ा एथिक्स दिखा दें, थोड़ा डेकोरम का ख्याल रखें, दैन डेट्स ठीक है, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर का हक अदा हो जाएगा, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर लगते नहीं है यार, आप क्राइम को सॉरी चीफ मिनिस्टर थे ठीक थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी सीट है, आपको सूट ही नहीं करती, कितने कम नहीं लगे जिस बादशाह, छोड़ो यार की हो गया तानू तो दूसरी तरफ इंडिया भी हमारी इस चीज़ को कवरेज देता है। इंडिया कहने लगा कि भाई पहले तो एक आपने पुरानी कोई वीडियो देखी होगी जिसके अंदर जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर से उनके साथ बैठे, उनके कान में हेडफोन नहीं फिट हो रहे थे, और बड़ी कोशिश की हमारे फिर आर्मी के एक स्टाफ के एक बंदे गए और जिन्होंने उनके कान के अंदर माइक फिट करके दिया, उस चीज़ को भी बड़ा इशू बना, तीन दफ़ा गिरा, तीनों दफ़ा वही बंदा लगा कर गया, और बता रहे हैं कि दुनिया इस चीज़ को इतना हाईलाइट करती है, और कहते हैं साथ ही यहाँ पर अब मैं बात करूँगा आपको कि पाकिस्तान के अंदर हमारे सारे जो आधे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो फॉरेन रहते हैं, बाहर रहते हैं, दुबई और पूरी दुनिया के अंदर, तो क्या समझते हैं आपके जब इस तरह के प्राइम मिनिस्टर हरकतें करेंगे, हमारे रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, क्या रिस्पेक्ट होगी हमारी अदर कंट्रीज़ के अंदर, क्या वो हमें रिस्पेक्ट होगी? रिस्पेक्ट आपको लगता होगा रिस्पेक्ट? देखिए इस तरह तो हम अपने इमेज बुरा बना रहे हैं, नेगेटिव इमेज पेश कर रहे हैं ना, इनको ये ना समझना चाहिए कि जिनको हम जिन पे हम हुक्मरानी कर रहे हैं वो सिर्फ भेड़ बकरी हैं, उनको ये नहीं समझना चाहिए, उन्हें भी इंसान समझना चाहिए और एथिक्स का मुजाहरा करना चाहिए, मतलब कि आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप वहाँ पर ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं जैसे आप पेंट से उठ के आए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर मिसाइल्स की तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे, भाई इंडिया से हम ताकतवर हैं, हमारे एयरफोर्स इतनी ताकतवर है, जब हम यहाँ पर जब एजुकेशन की बात आती है तो तब कंपैरिजन करने में वो हमसे ताकतवर है, हम उनसे किस चीज़ में ताकतवर हैं? हम सिर्फ नगमों में, हम सिर्फ नारों में, हम सिर्फ जज्बों में उनसे ताकतवर हैं, और किसी में ताकतवर नहीं। उनकी आईटी देखने काम पहुँच चुकी है, आपकी आईटी काम पहुँच चुकी है, आपके पूरे पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है, एक बार की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है। यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, G20 की मीटिंग इंडिया ने कहाँ रखवाई? कश्मीर के अंदर, और वहाँ के बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आकर पाँव पकड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के। अभी ऑस्ट्रेलिया के विजिट था, वहाँ पर जब वो गए तो मोदी इज द बॉस कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। हम जितना भी मोदी को बुरा कह रहे हैं लेकिन वो अपने मुल्क के लिए ठीक है, अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है, वो अपने मुल्क के लिए अपने क्या कैसे क्या उसने इंडिया में ऐसा मुल्क को टेवर का इंडिया जहाँ से जहाँ पहुँच गया, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 3 ईयर्स में थर्ड मोस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक जो वर्ल्ड है ना वो इंडिया बनने जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई बईद नहीं है, कोई इसमें शक की वाली बात नहीं कि इंडिया ने बनने जा रहा है, इंडिया बनने जा रहा है। तेरा बाप और दूसरी बात ये कि जी हम बात बात में इंडिया को बुरा भरा कहते हैं, क्यों कहते हैं जी? हम अपने गिरबान में झांक रहे हैं कि हम क्या चीज़ हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप खुद क्या कर रहे हैं? इंडिया बुरा कहते हैं, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप हम यहाँ बैठ के इंडिया को बुरा कह सकते हैं? वो पाकिस्तान बुरा कहते हैं, उनका हक नहीं बनता। अब हम मोदी को बुरा कहते हैं, मोदी अपने मुल्क के लिए ठीक है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए नहीं ठीक, हमारे हुक्मरान हमारे लिए नहीं ठीक, तो हम उन्हें बुरा कहना चाहिए जो अपने मुल्क के लिए ठीक है भाई, उसने उसके लिए करना है। देखे हमारी जो हमें बताया गया कि हमारा वो दुश्मन मुल्क है, तो क्यों दुश्मन मुल्क है हमारा? हम दोस्त नहीं रख सकते उनसे? मौजूदा सूरत हाल जो इस टाइम मुल्क की चल रही है, क्या फ्यूचर देख रहे हो पाकिस्तान का? यार पाकिस्तान का अभी तक तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, जिस हिसाब से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान का। इवन तो हमने भी यही थिंकिंग की है कि यहाँ से पढ़ के बाहर चले जाएं, जहाँ हमारा मीडिया हर चीज़ हाईलाइट कर रहा होता है, ये क्यों नहीं बताता कि इधर से लोग जा रहे हैं और लीवर ट्रांसप्लांट वहाँ से करा के आ रहे हैं? दरअसल जो मीडिया है ना हमारा, वो हमारा करप्ट है सारा मीडिया, जो हकीकत बात है, हुक्मरान भी करप्ट है, मीडिया भी करप्ट है, अवाम भी करप्ट है, तो फिर हम मुस्लिम कंट्री हम कहते हैं, हम मुस्लिम किस चीज़ के मुसलमान? जितनी जालम कौम पाकिस्तान में रहती है उससे ज़्यादा है ही कहीं पर भी नहीं। ये बातें बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन हम मुसलमान है ही नहीं। आई थिंक मुसलमान भी यहाँ सेफ नहीं है, उसकी मैं आपको एक लिटरल एग्जांपल दे सकता हूँ कि रिसेंट अभी पीछे सियालकोट में एक ब्लास्फेमी का इंसिडेंट हुआ है, उसके अंदर ऑल्दो ही वाज नॉट अ मुस्लिम, ही बिलोंग्स टू श्रीलंका, बट जो कुछ हुआ वो किया तो हम मुसलमानों नहीं है।
दूसरा इंसिडेंट मैं आपके नाजरीन को बताना चाहूंगा। आई बिलोंग्स टू ननकाना साहिब और हमारे ननकाना साहिब में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है। एक बंदा था, उसने कुरान पाक की बेहरमती की है और उसकी कुरान पाक की बेहरमती के नतीजे में लोगों ने उसको घर से निकाल के पकड़ के 2 किलोमीटर तक न थाने तक लेके आए हैं, वहाँ पे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद पब्लिक मॉब जो है उन्होंने ही थाने पे अटैक किया, पुलिस को भी मारा, उस बंदे को निकाल के आग लगा दी थी। ही वाज अ मुस्लिम। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो इट्स ट्रू हमारे हम जो है ना सेफ नहीं है, हमारे यहाँ पे इस्लाम की सेफ प्रैक्टिस नहीं है। हम देखें यहाँ पे कोई भी अगर खुल के बात करना चाहें तो या तो हम गद्दार डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो या हम देशद्रोही कह सकते हैं किसी हद तक का। लेकिन ये कह दें कि ये हमारे हक में नहीं है, किसी और के हक में बात चली जाएगी। अच्छा। या गद्दार डिक्लेयर कर दिए जाएंगे या हम गुस्ताख डिक्लेयर। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदू जो कम्युनिटी है वो अपने के होली का त्यौहार मनाते मनाते कि उनका हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ क्लैश हो गया और उनको रोका गया। अब वो हालांकि वो अपने जो हैं इंस्टीट्यूट की परमिशन के साथ अपना त्यौहार मना रहे थे एक स्पेसिफिक जो रिस्ट्रिक्शन के अंदर, लेकिन फिर भी उनको रोका गया। लेकिन उसके ऊपर कोई भी कानून हरकत में नहीं आया, किसी ने रोका नहीं है उनको कि भाई माइनॉरिटीज है वो परमिशन के साथ अपना त्यौहार मना रहे हैं तो उनको आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो नाइंसाफी कर रहे हैं। देखें अब इसमें बात फिर वही आ जाती है कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना नाकाम हो चुके हैं। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अब ये देखें ना, इनकी शक्ल ही मांगने वाली लगती है। अभी ये आपके एटमी असासे भी गिरवी रखने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान का जो एटम है या जो मिसाइल हैं वो मिसाइल ख़त्म करके बल्कि उस पर वाइट कलर करवा के तो नीचे लिख देना चाहिए गुजरांवाला की मशहूर कुल्फी। गजब बेइज्जती है। बेसिकली वो सिर्फ कुल्फी है और इन्होंने आज तक उसको कहीं यूज़ नहीं किया हुआ। हम पाकिस्तान 70 साल से 2 मरले ज़मीन इंडिया से नहीं ले सके, हम क्या कर रहे हैं, हमारी आर्मी क्या कर रही है? हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर। सर क्या समझते हैं आपके बाहर के दुनिया के अंदर एक इमेज होना, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होना, जब एक पाकिस्तानी जाए वहाँ पर लोग उसकी इज्जत करें तो कैसा ये एक मुकाम होता है, कैसा रुतबा होता है? अगर मैं यहाँ पर बार बार बात इंडिया की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे साथ बराबरी में, हम उनसे आज़ाद हुए, हम उनसे हमने कहा कि भाई हमने इंडिया के साथ नहीं लेना, आलादगी कर लेते हैं। आज अगर देखेंगे उनके रिजर्व 650 बिलियन डॉलर्स के उनके फॉरेन रिजर्व है और हमारे 1 बिलियन डॉलर भी नहीं है। सर जब हम देखते हैं कि एक हिंदुस्तानी जब हमारे साथ कन्वर्सेशन करता है वो हमें कहता है कि भाई आप लोग को तो भिखारी हो, आपके वजीर आजम कहते हैं कि बिगर्स कांट बी चूजेस, जब इस तरह की बातें हमारे लिए होती हैं तो बहजा पाकिस्तानी बहजा कौम आपको कैसा फील होता होगा? अब जब से ये आए हम लोग भिखारी बन गए, मैंने क्योंकि जैसा लीडर होता है जैसी उसकी सोच होती है, अगर इनके पास सोच ना कोई सोच है ना कोई विजन है इनके पास, तो एमएच बनाने के लिए आपको इस तरह का कोई जानदार किस्म का लीडर चाहिए होता है। जैसे मोदी जी, इनकी तमन्ना यही है कि मोदी जैसा कोई लीडर इनको मिल जाए, लेकिन ये इतने करप्ट हैं, इतने बेईमान हैं, इनकी रगों के नस नस के अंदर करप्शन भरा हुआ है, तो जब तक करप्शन भरा हुआ है वो दीमक की तरह से इनको चाट चुका है। इनके यहाँ मोदी जी जैसा कोई आदमी पैदा हो ही नहीं सकता, कोई ईमानदार पैदा हो ही नहीं सकता, और जब तक तो कोई ईमानदार नहीं आएगा पाकिस्तान का तो भला होने वाला है नहीं। और मेरे को भी ये लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।